कौन अंदर रह गया? ये डाके रह गए, ये बाहर नहीं आ रही भाई, इनको भी बाहर निकालना पड़ेगा। इनको हाथ से पकड़ लेते हैं। कैसे एक्टिव हुए हैं? माशाल्लाह बहुत एक्टिव हैं, यानी कि धूप की वजह से फुल एक्टिव हो रहे हैं। अगर इनको धूप ना लगती तो भी ये एक्टिव नहीं थे। इनकी गैदरिंग देख के लग रहा है कि ये गैदरिंग ऐसी ही रहेगी या फिर चेंज हो जाएगी, अल्लाह बेहतर जानता है। बहुत ही आला यार, ये मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। मुंतज़र मेरे जवाल के हैं, अर्ज़ किया है मुंतज़र मेरे जवाल के हैं, मेरे अपने भी कमाल के हैं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल, मैं हूं मोहम्मद कासिम भट्टी। आज की स्टोरी शुरू कर रहा हूं। धूप बहुत तेज़ थी तो मैंने गनीमत जाना कि चूज़ों को ऊपर लेके आऊं और साथ खरगोशों को भी ऊपर लेके आऊं, क्योंकि धूप के बगैर तो इनका गुजारा नहीं है। जिस तरह हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, धूप की ज़रूरत होती है, इस तरह इनको भी ज़रूरत होती है। तो इनको मैं ऊपर लेके आ गया। अब इनकी क्या कंडीशन है धूप में, ये क्या करते हैं, आज हम इसी के मतलब बात करेंगे। अच्छा, इनको ऊपर तो लेके मैं आ गया, लेकिन यहाँ पर मुश्किल भी है। इनके दुश्मन ऊपर भी उड़ते रहते हैं और यहाँ पे फिर रहे होते हैं, यानी कि जो अकाब है जिसको मशीन कहते हैं वो इनको जपड़ने के लिए फ़ौरन तैयार रहती है। और बिल्ली का तो बाहर कोई नहीं, किस वक्त भी आ सकती है। कि इनको ऊपर लेके आने का मतलब है ख़तरा जो है वो मोल लेना है। अब खतरे के खिलाड़ी बनना पड़ेगा, इनका ख्याल भी रखना पड़ेगा। ख्याल तो रखेंगे क्योंकि भैया अपना माल है, अगर अपने माल की हिफाजत ना की ना तो फिर क्या फ़ायदा। अच्छा, मैं रैबिट्स को भी ऊपर लेके आया हूँ, लेकिन इनको मैं डरता खोल नहीं रहा, क्योंकि अगर इनको मैंने खोल दिया ना तो इनको पकड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ, क्या हुआ? कुछ नहीं होता, आराम से खुद ही आ जाएंगे ना, खुद ही आ जाएंगे। बेटा आप कैरेक्टर छोड़ दो ना, खुद आ जाएंगे ना, इस तरह वो तंग करेंगे। भाई पानी की इनको बहुत फिक्र होती है, पानी के बगैर इनका गुजारा नहीं है। यहाँ पे इन्होंने पानी ढूंढ लिया और पानी बहुत पीते हैं, मतलब कि इनको आधे खाने के साथ आधा पानी लाजमी पिलाना चाहिए, तभी ये एक्टिव रहते हैं। इसको नर समझ के लेके आए, लेकिन ये मुझे लग रहा है मादी है, क्योंकि इसी के अंदर बंद रहती। जब ये प्रेगनेंट होना ये ढूंढती है ऐसी जगह जहाँ पर सेफ हो, तो इस पिंजरे के अंदर ज़्यादा बैठना पसंद करती है। आज मेरे साथ अहमद भी है, जैन फातिमा भी है और अब्दुल्ला भी है। कहाँ जा रहे, नीचे जा रहे हैं? पीटर को छुपने दो, वो छुप गया। बहुत ज़्यादा खुश है, देख कैसे पर खिलार के बैठे हुए हैं। धूप में ये इंजॉय करते हैं, धूप के बगैर इनका भी गुजारा नहीं है। अच्छा किया इनको मैं धूप में लेके आ गया। यार मुझे ये उम्मीद थी कि ये ब्लैक वाले बतख है ना, ये छोटे साइज़ की बतख है, लेकिन जिस तरह इसकी जिसामत बढ़ती जा रही है मुझे लग रहा है कि ये बड़े साइज़ की बतख है। और ये जो दो ब्राउन कलर की हैं, ये जो पेयर है ना, ये छोटी बतख है, यानी कि कुछ नयाब चीज़ वो बड़ी बतख है वो निकलने वाली है। चलो फिर नीचे जाने का टाइम हो गया, इनको पकड़ो, नीचे लेके जाए, खरगोशों को पकड़ो। अब ये पकड़ा नहीं जाएगा, दिखाओ पकड़ के मुझे। चल इसको पिंजरे के अंदर डालो, डाल दो शाबाश। अभी चूज़ों को रहना तो बेटा डालो पिंजरे के अंदर, को पकड़ो डब्बे के अंदर डालो, बड़े प्यार से आराम से पकड़ के दिखाओ मुझे। अहमद से देखते पकड़ जाते कि नहीं जाते। लो जी एक उसने पकड़ लिया, कामयाब हो गया। ध्यान से नीचे देख के, नीचे देख के बेटा, नीचे देख के पाँव के नीचे ना, ध्यान से बचा कर, बड़े प्यार से आराम से, अरे पाँव के नीचे ना ध्यान से। ये बहुत बड़ा मौजन है भाई, ये भी कुछ हलाल जानवर हैं यार। ये मासूमा है, ये इसकी मदर है, ये बेचारी इसका जो बेबी है वो मर गया होते सारी। ये माशाल्लाह, ये जो मेरी बकरी है ना, ये राजनपुर की है, ये इसके दो बेबी हैं। ये भी इनका बारा है, ये इनको गर्मी में सहूलत देगा, कि हमने एडवांस बारे बना के रखे हुए हैं। एक ये बारा है, दो बारे उनके वो अलहदा से हैं, लेकिन इनको कंफर्टेबल रखने के लिए यहाँ पे सूटेबल है, क्योंकि ये महंगे जानवर होते हैं और इनके अंदर कुछ जानवर कुर्बानी के भी हैं। तीन तो हमारे पास बकरियाँ हैं जो ऑलरेडी दूध दे रही हैं और बाकी बकरे हैं। डोरा और पीटर को ना भूख लगी होगी, डोरा पीटर इधर आओ, दोनों इधर आओ मेरे पास आओ। ये शाबाश, कौन बेल बकर,
सबसे पहले कौन पकड़ेगा? ये भी तू भी ले, पीटर ये ले, मुझे इनकी पहचान होगी हुई। पीटर अभी अवॉइड करता है, डोरा ले लेती है। ये ले पीटर, खा यार मौज कर। चूजों के लिए फ्रेश पानी भर के रख दिया हुआ है, देख रहे ये कैसे बाहर निकले। एक दो तीन चार पाँच छ, छ एक और था, कितने ही है? मुझे लगता है छः ही हैं। सारे आ गए हुए हैं, प्यासे बहुत हैं ये। ये रही इनकी फीड। आज तो भाई इनको धूप भी अच्छी सी लगवा दी, इनको फीड भी अच्छी सी दी, सपाटे आज इनके हो गए हुए हैं, इसलिए मौज कर रहे हैं। तो आज का मेरा व्लॉग यहीं पे खत्म होता है, एक नए व्लॉग के साथ बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी, तब तक लिखो दाफ़ी, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।